ओम शिवाय स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी भाग्यशाली राशियों के 2021 में पुत्र और पुत्री प्राप्ति के योग हैं यानी संतान प्राप्ति के योग हैं 2021 में कौन कौन से महीने शुभ हैं कौन कौन से महीने में क्या क्या सावधानियां बरतनी है तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें यह मेरा इंस्टाग्राम आईडी है इस पर आप फॉलो कर सकते हैं और जो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो मिलती प्राप्त होती रहेंगी भगवान की कृपा से महाकाल की कृपा से और शनिदेव की दृष्टि के द्वारा कई राशियां बहुत ही शुभ और लकी हैं कई राशियों के बहुत ही अच्छे और शुभ योग हैं हालांकि कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनको थोड़ी बहुत परेशानी होगी लेकिन ज़्यादातर राशियाँ बहुत ही शुभ हैं अब बहुतों के मन में यह है कि हम दो में कौन कौन से महीने हमारे लिए शुभ हैं और ये मैं 2020 दिसंबर से लेकर के 2022 तक का राशि फल बता रहा हूं यानी पूरे 2021 और 2022, 2021 और 2022 में ये राशियां जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही शुभ रहने वाली हैं सबसे पहली राशि है मेष राशि मेष राशि वालों के बहुत ही बढ़िया योग हैं 2021 में बहुत बढ़िया योग है इस वीडियो में मैं मेन मेन बातें आपको बता रहा हूं बाकी जैसे भी महीने में ग्रहण का परिवर्तन होता रहेगा उस प्रकार से आपको जानकारी में देता रहूंगा मेष राशि वाले 2021 में कभी भी संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर सकते हैं और उनके योग भी बहुत ही अच्छे बने हुए हैं जिनकी डिलीवरी होनी है उनके ज्यादातर 80 परसेंट पुत्र प्राप्ति के योग हैं मेष राशि वालों के धन प्राप्ति के योग हैं नौकरी के योग हैं बहुत ही अच्छे और शुभ योग आप कह सकते हैं भगवान की कृपा से दूसरी राशि है वृषभ राशि वृषभ राशि वालों के भी अच्छे योग हैं और वृषभ राशि के ऊपर तो 2022 तक राहु का गोचर भी है तो वृषभ राशि वाले और मेष राशि वाले बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे ग्रस्त जीवन में खुशी का माहौल रहेगा स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा हर प्रकार की मनोकामना इनकी पूरी होगी अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि मिथुन राशि वालों को भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा संतान धन प्राप्ति के योग है मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जुलाई सितंबर नवंबर ये महीने बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं बाकी अलग से अगर कोई पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं और कुंडली दिखाने के चार्ज लगते हैं आप अगर कुंडली का विश्लेषण करना चाहें तो कुंडली के बारे में भी पूछ सकते हैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगली जो राशि है वह है कर्क राशि कर्क राशि वालों का भी अच्छा खासा योग रहेगा ये नाम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ हो सकता है नाम के हिसाब से ये राशि फल आपके लिए सही ना बैठे आपकी कुंडली में अलग योग हों लेकिन जिनकी कुंडली नहीं है वह इस हिसाब से समझ सकते हैं कर्क राशि वालों को अच्छा खासा लाभ मिलेगा कर्क राशि वालों के भी सारे कार्य सिद्ध होंगे आ रही रुकावटें दूर होंगी हर प्रकार की जो परेशानियां थी वह दूर होंगी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें वैसे तो योग आपके बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए पूरा साल ही बहुत ही बढ़िया रहने वाला है अगली जो राशि है वह सिंह राशि सिंह राशि वालों के बहुत बढ़िया योग है सिंह राशि वालों का तो ये समझ लीजिए कि 2020 नवंबर से ही भाग्य बहुत अच्छा चल रहा है और 2021 पूरा ही सिंह राशि वालों का अच्छा रहेगा हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी पारिवारिक परेशानी जरूर आएंगी लेकिन संतान धन की ओर से भाग्य आपका अच्छा रहेगा नौकरी अच्छी चलेगी व्यापार में भी आपको लाभ मिलेंगे कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें सोच समझ के ही आगे कदम बढ़ाएं जो भी आप कार्य करना चाह रहे हैं अगली जो राशि है कन्या राशि कन्या राशि वालों के भी मध्यम प्रकार के बढ़िया योग हैं इतने खराब योग नहीं है और ग्रहण की दृष्टियाँ भी अच्छी हैं बुद्ध का योग भी अच्छा है चंद्रमा का योग भी अच्छा रहेगा तो बहुत ही बढ़िया योग कह सकते हैं दो में तुला तो राशि वालों को भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा तुला तो राशि वालों के हर कार्य सिद्ध होंगे आने वाले समय में बहुत बड़ी कामयाबियां और कार्य सिद्ध होंगे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा मंगल कार्य संपन्न होंगे पैसा भी आपका खर्च होगा आपके बहना आदि के सपने भी साकार होंगे कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ के भी आपके योग बनेंगे लेकिन स्थायी रूप से नहीं वृश्चिक राशि वालों पर केतु का गोचर और साल की शुरुआत में वृश्चिक राशि पर कई ग्रहण की दृष्टि आए वृश्चिक राशि वालों का बहुत बढ़िया योग रहेगा हालांकि कई ऐसे परेशानियाँ भी आ सकती हैं परिवार जो आपको अंदर से तोड़ के रख दें लेकिन हिम्मत और साहस से आपको काम लेना है आने वाला समय आपके लिए बजरंग वाली कृपा से शुभ ही रहेगा धनुराशि वाले इन राशि वालों को मार्च तक थोड़ा सा संभल के चलना होगा शुरुआत का योग अच्छा है गुरु शनि का जो योग है यह बहुत कुछ दिखाने वाला है कई राशियों के लिए लाभप्रद रहेगा तो कई राशियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है लेकिन संभल के चलें जैसे गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो उसके बाद में भाग्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है मकर राशि वाले यह राशियां बहुत बढ़िया हैं मकर राशि वालों को कई प्रकार के लाभ मिलने शुरू भी हो चुके हैं मकर राशि वालों पर सनी देव की बहुत ही अच्छी दृष्टि है और शनि और गुरु का यह गोचर मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभप्रद रहने वाला है हालांकि कैन के, के लिए शुभ रहेगा तो कैन को परेशान भी आ सकती है कुंडली के हिसाब से अगर कुंडली में योग अच्छे हैं आपके तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा लाभ मिले और हो सकता है अगर कुंडली में योग अशुभ हों तो परेशानी उठानी पड़ सकती है क्योंकि अगर गुरु शनि की जोड़ी आपके लिए शुभ पड़ गई तो जीवन की हर खुशी आपको मिल जाएगी अगर अशुभ पड़ी तो परेशानी भी आपको दे सकती है इसलिए जो भी कार्य करना है घर की सलाह लेकर के बुजुर्गों की सलाह लेकर के ही आगे बढ़े सभी राशि वालों के संतान और धन प्राप्ति के योग है दो में सभी राशि वालों के कुंभ राशि पर शनि की बहुत ही बढ़िया दृष्टि है कुंभ राशि वालों पर शनि की दो महीने से ही अच्छी दृष्टि है और कुंभ राशि जिनकी है उनको महसूस भी हो रहा होगा धन का अच्छा खासा लाभ है तो वहीं पर कुछ कार्यों में विघ्न भी आ सकते हैं तो इसलिए आप विशेष रूप से सावधानी पूर्वक ही प्रत्येक कार्य को करें शनि देव कृपा अचानक आपके जो धन के लाभ मिलेंगे अचानक और अचानक ही धन खर्च भी होगा मीन राशि जैसा धनु राशि वैसा मीन राशि हालांकि मीन राशि का योग बहुत अच्छा रहने वाला धन प्राप्ति का क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में मेष राशि में मीन राशि वालों के लिए बहुत ही लाभप्रद है अनेकों कार्य सिद्ध होंगे हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी और अच्छा खासा लाभ भी मिलने वाला है तो 2021 में सभी राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे योग हैं और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी भगवान की कृपा से हर कार्य आपके जो है सिद्ध होंगे तो ये मेन मेन बातें आपको मैंने बताई थी प्रत्येक महीने की जानकारी का वीडियो आपके पास आता रहेगा और आप संतान और धन प्राप्ति की ओर से निश्चिंत रहें सभी की राशि वालों के अच्छे योग हैं दो में जय महाकाल